देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं बिहार में भी 700 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोविड-19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर हेमशंकर शर्मा जी। हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे कि भागलपुर में कोरोना के कितने मरीज अब तक हैं। अभी तक कोरोना के 25 पॉजिटिव पेशेंट हमारे यहाँ हैं। कल तक 23 थे जो संख्या बल, कल एकाएक 9 मरीज आए थे हमारे यहाँ और आज 2 की संख्या में फिर वृद्धि हुई है, तो कुल 25 हमारे पास है। सर, आइसोलेशन वार्ड में कितने मरीज हैं? आइसोलेशन वार्ड में सारे पॉजिटिव पेशेंट ही भर्ती हैं, क्योंकि हमारा सेंटर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जो है वो कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हो गया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव केस ही रहते हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं। कोरोना हॉस्पिटल मायागंज अस्पताल है, लेकिन हॉस्पिटल में जो है तो किट नहीं है पर्याप्त संख्या में, जांच रुकी हुई है। सर, क्यों रुकी हुई है जांच? देखिए, जहाँ तक जांच रुकने का प्रश्न है, बात सही नहीं है, जांच हो रही है। ये अलबत्ता दीगर बात है कि यहाँ पर किट की संख्या, हम लोगों के 360 किट मिले थे जिसमें लगभग 325 से ज़्यादा किट खत्म हो चुके हैं, तो अगर प्रतिदिन यहाँ 40 से लेकर 60 मरीजों की जाँच होती है तो इसलिए हम लोग वो जांच रोकनी पड़ी, क्योंकि हमारा यहाँ किट का जो सेंटर है वो पहले डीएनए कार्ट्रिज में सीबीनेट की मशीन के थ्रू होती थी, जो आरएनए कार्ट्रिज में कन्वर्ट करना पड़ा, चेंज करना पड़ा आरएनए कार्ट्रिज में। तो कुल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं प्रतिदिन 40 से 50 लोगों की ही जाँच हो सकती है, और अभी जो प्रवासी मजदूर ज़्यादा आ गए हैं और लोगों की संख्या बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ा है, तो ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं जिससे हम लोग के लिए दिक्कतें हो रही थी, तो फिर हम लोग जैसे पुनः पटना भेज रहे थे वैसे ही पटना हम लोग को टेस्ट में भेजना पड़ रहा है। मायागंज में जो लोगों का इलाज होता था, अब वहाँ पर पेशेंट नहीं जा रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है सर? मायागंज के इलाज के बारे में, जो जनरल मरीजों का इलाज हुआ है वहाँ इमरजेंसी, मेन इमरजेंसी खुली हुई है जिसमें कि सर्जरी, मेडिसिन, एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी, पॉइजनिंग केसेस, ये सब का इलाज चल रहा है। और आज से ऑर्थोपेडिक का हॉस्पिटल, यानी ऑर्थोपेडिक का जो सेंटर होता है वो स्टार्ट हो गया, ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट हो गया है, गायनेकोलॉजिकल शुरू हो गया है, मैटरनिटी लेबर रूम शुरू हो गया, यानी डिलीवरी की सुविधा आज से शुरू हो गई है। दिक्कतें जरूर है, मैं मानता हूँ जनता को, लेकिन हम लोग एक साथ कोरोना के पॉजिटिव मरीज को और जनता को मिक्स नहीं कर सकते हैं। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो किट होता है जाँच के लिए वह नहीं है, तो कैसे जाँच करेंगे? देखिए, किट दो प्रकार का होता है, एक रैपिड किट होता है और एक जो स्टैंडर्डाइज किट होता है जिसको आरटीपीसीआर कहते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड या कंफर्मेशन के लिए होता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड या कंफर्मेशन की टेस्ट का अभाव यहाँ की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा विकसित देश में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह आरटीपीसीआर मेथड से जो जाँच होती है उसमें कमी है, क्योंकि उतना ज़्यादा किट बनते ही नहीं है, पूरे विश्व में ही नहीं बनता है। तो रैपिड टेस्टिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है, हमारे यहाँ कुछ लैब्स हैं जो पुणे में लैब है, उन्होंने रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत करने की, कोरोना कवच के नाम से अब वो किट आएगा, और एक फेलुदा करके आया है किट, तो अब सेंसिटिविटी देख रहे हैं। एबॉट लेबोरेटरीज ने और जाइडस ने ये कोलेबोरेशन के साथ गवर्नमेंट के साथ किट बनाने की बात की है रैपिड टेस्टिंग में, लेकिन रैपिड टेस्ट के किट भी देरी से पॉजिटिव होते हैं। रैपिड टेस्ट में एंटीबॉडीज को जांच किया जाता है और एंटीबॉडीज बॉडी में बनने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है सर? कोरोना के प्रारंभिक लक्षणों में खांसी होती है, जो सूखी खांसी है, उसमें बुखार हो सकता है आपको, आपको देह में दर्द हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है सांस का फूलना, सांस ज़्यादा फूलती है, सांस की गति 25 प्रति मिनट से ज़्यादा हो जाती है, सामान्य व्यक्ति 14 से 16 बार सांस लेता है, लेकिन अगर सांस की गति ज़्यादा हो, यानी 25 बार से प्रति मिनट से ज़्यादा हो, तो ये लक्षण कोरोना में पाए जाते हैं। और जब ऐसे लक्षण होते हैं तो इन लोगों की जांच करनी चाहिए, बिना लक्षणों के जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि लोग दूर से आए हैं इसलिए जांच कर लीजिए, ये आवश्यक नहीं है। भागलपुर हॉटस्पॉट बन चुका और अब रेड जोन की ओर जा रहा है, ऐसे में लोगों से आपकी क्या अपील होगी? देखिए, जब 25 केस पॉजिटिव हो गए तो रेड जोन तो ये हो ही चुका है अभी तक। मेरी राय ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मास्क का इस्तेमाल सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर स्तर के लोगों को, जो भी बाहर निकले उनको मास्क का इस्तेमाल करिए। पहले तो बिना ज़रूरत आप बाहर ही ना निकलें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और लोगों से दूरी बना कर रखें, 1 से 2 मीटर की दूरी बना कर रखें। ये अगर नहीं करेंगे और घर से निकलते हैं,
कहीं भी किसी चीज को छूते हैं, घर में घुसते हैं तो बिना अपने नाक मुंह को छुए हुए सर्वप्रथम अपने हाथों को धोएं, वॉश करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। अगर बाहर में कोई ऐसा काम करते हो कि कई जगह पब्लिक यूटिलिटी की चीज छूनी पड़ती है तो एक सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल पॉकेट में लेकर चलिए और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करिए और घर में साबुन पानी से हाथ अवश्य अच्छे तरीके से धोइए। कम से कम 30 से 40 सेकंड तक धोना अति आवश्यक है। तो ये थे COVID-19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, जिन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से लोग कैसे बच सकते हैं, और भागलपुर जो हॉटस्पॉट में जा रहा रेड जोन जो बन चुका है इसमें कैसे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। सिल्क टीवी भी आप सभी लोगों से अपील करती है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर।